दोस्तों तो कैसे आप लोग, मैं हूँ आपका दोस्त हरविंदर और आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल हरविंदर गेमिंग। तो आप सभी लोगों को पता चल ही गया कि RC24 गेम का जो न्यू अपडेट है वो यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया, जो कि काफ़ी ही अच्छा मेगा अपडेट है। तो मैंने वीडियो बनाकर आपको बता भी दिया था क्या क्या फीचर आए हैं। तो यहाँ पर आप चलिए गेम प्ले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो फीचर्स आए हैं वो किस तरीके से आपको मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, सारा डिटेल के साथ आपको रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो मन तक बने रहेगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आज के को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर बड़ी न्यूज़ यहाँ पर ये निकल के आई है कि जो यहाँ पर लाइसेंस इन्होंने लिया है, जिस भी टीम का, लाइक मुंबई हो गया, लखनऊ हो गया और राजस्थान, इन तीन टीमों का जो लाइसेंस इन्होंने लिया है, वो तीनों की तीनों जो टीमें हैं वो क्विक प्ले मैच के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो तीनों टीमें यहाँ पर आप लोगों को क्विक मैच के अंदर देखने को मिलेंगी, लेकिन उसको अगर आप खुद से लेकर खेलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 20 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप उसको AI यानी कि ओपोनेंट की तरफ लेकर खेलते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है वो यूज़ कर पाएंगे। तो एक बहुत ही बढ़िया बात है यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए पेड भी रखा है, लेकिन ओपोनेंट की टीम के अंदर लेकर आप इसको जो है वो फ्री के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। अब जो है वो इसके अलावा ये जो टीमें हैं वो यहाँ पर जो है वो IPL 2023 में देखने को नहीं मिलेगी, ना 22 में देखने को मिलेगी। ये जो टीमें हैं वो IPL ऑक्शन के अंदर भी देखने को नहीं मिलेंगी, जो भी तीन टीमों का लाइसेंस लिया है। ये जो यहाँ पर टीमें हैं वो आप लोगों को देखने को मिलने वाली है जो है वो IPL 2024 का जो टूर्नामेंट इन्होंने यहाँ पर है गेम के अंदर, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर ये जो तीन टीमें हैं वो देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान रॉयल्स और यहाँ पे देख सकते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स है, और इस साइड में मुंबई इंडियंस की जो टीम है। ये तीन टीमों का लाइसेंस लिया है और ये जो तीन टीमें हैं वो IPL 2024 में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा किसी भी IPL टूर्नामेंट के अंदर ये जो टीमें हैं वो देखने को नहीं मिलेगी, और ना ही ऑक्शन के अंदर ये तीनों टीमें हैं जो कि देखने को मिलेंगी। तो चलिए यहाँ पर मैं मुंबई सिलेक्ट कर लेता हूँ, 20 ओवर यहाँ पर चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए आपको गेम प्ले की तरफ लेकर चलते हैं, क्या कुछ यहाँ पर बाकी टीमों का यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्क्वाड वगैरह भी अपडेट जो है वो हो चुका है। तो यहाँ पर चलिए प्ले के ऊपर मैं कर देता हूँ क्लिक। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर बिल्कुल रियल आपको प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। वो चलिए यहाँ पर आप लोगों को जो है वो आगे दिखा देते हैं। यहाँ पर हमारा जो मैच है वो अहमदाबाद के अंदर होने वाला है, यानी कि अहमदाबाद के अंदर ये जो मैच है वो खेला जाने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आ चुके हैं प्लेयर्स आपके सामने, यहाँ पर अपडेटेड स्कोर के साथ देख सकते हैं कि अपडेटेड स्कोर, यहाँ पर प्लेयर्स, जर्सी, सारा कुछ यहाँ पर अपडेट है मुंबई इंडियन का, बिल्कुल आपको रियलिस्टिक देखने को मिलने वाला है। तो काफ़ी ही बढ़िया यहाँ पर बात है। चलिए एक बार मैं जसप्रीत बुमराह को यहाँ पर ज़रूर से ऐड करूँगा गेम के अंदर। चलिए यहाँ पर मैंने कर लिया है, जसप्रीत बुमराह को ऑलरेडी से ऐड थे। तो यहाँ पे सारा कुछ हो चुका है, आप देख सकते हैं। चलिए 9 पे यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इनका कुछ यहाँ पर जो लाइसेंस वो है नहीं है यहाँ पर गुजरात का, तो इनका कोई भी प्लेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा एनिमेशन सा है, ये मुंबई से हम चले गए हैं गुजरात, तो मुंबई मैंने सिलेक्ट करके आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर किया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को किया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टेडियम डाउनलोड हो रहा है, तो यहाँ पर लगभग हो ही चुका है। तो यहाँ पर चलिए आगे की तरफ गेम प्ले की तरफ लेकर चलते हैं, फेसेज वगैरह, जर्सीज वगैरह आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हार्दिक पांड्या और सुमन गिल है। यहाँ पे हार्दिक पांड्या का फेस देख सकते हैं कितना ज़्यादा रियल लग रहा है। तो चलिए यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ पे जल्दी से जल्दी सब कुछ जो है वो मैं जो है वो स्किप कर देता हूँ। और यहाँ पे प्लेयर्स की जो हाइट है वो बिल्कुल रियल देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हार्दिक पांड्या की हाइट है, और साथ के साथ बॉडी स्ट्रक्चर के साथ और फेस के साथ, फेस आप लोग देखिए कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। तो यहाँ पर मैं टॉस जीत चुका, बॉलिंग करते हैं क्योंकि आप लोगों को दिखाना है जो यहाँ पे बॉलिंग का जो फिजिक्स है वो किस तरीके से वर्क करने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्वाड वगैरह भी अपडेटेड, आपको तो पता ही है कि यहाँ पर IPL की स्क्वाड वगैरह अपडेट हो ही चुकी थी। चलिए जसप्रीत बुमराह को मैं यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सीधा आपको लोगों को यहाँ पर लेकर चलते हैं, जो यहाँ पे जर्सीज ऐड की गई है कंपनी की तरफ से, जर्सी ऐड की गई है यहाँ पे मोड क्रिएटर के द्वारा। तो हम जो है रियल जर्सी यूज कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर टीम डेविड देखिए कितना ज़्यादा रियल फेस है उनका यहाँ पे, और लेकिन गुजरात का यहाँ पर जो फेस है वो किसी भी यहाँ पर जो प्लेयर का फेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड ये जो प्लेयर के जो फेसेज है मुंबई इंडियन के अंदर, यहाँ पे जसप्रीत बुमराह का फेस देखिए कितना ज़्यादा वो रियलिस्टिक लग रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो फेस है वो सिर्फ आपको IPL के अंदर देखने को मिलेंगे, जो क्विक प्ले मैच है उसके अंदर हो गया, इंटरनेशनल प्लेयर्स हो गए तो वहाँ पर आपको ये जो फेसेज है वो देखने को नहीं मिलने वाले, यानी कि इंटरनेशनल मैच के अंदर या फिर किसी अलग टूर्नामेंट के अंदर ये जो फेसेज वगैरह वो देखने को नहीं मिलेंगे। गेम थोड़ा सा लैग करा है, इसको थोड़ा सा इग्नोर मार देना,
ऊपर में नोटिफिकेशन आया था, शायद इस वजह से लैग हुआ है गेम, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन चलिए यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर कितना ज़्यादा काम किया गया है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पे रिद्धिमान शाह जी आ चुके हैं, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा अपडेट है, स्क्वाड वगैरह सभी के अपडेटेड। यहाँ पर जो है वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मेरे पूछ रहे थे कि यहाँ पर जो वो यहाँ पे स्क्वाड वगैरह अपडेट होंगे नहीं होंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे अपडेट करने के बाद आप लोगों को जो है वो यहाँ पे स्क्वाड वगैरह अपडेटेड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया अपडेट आप लोगों को ये देखने को मिला है। तो यहाँ पे अपडेट करने के बाद आईपीएल की जो तीन टीमें हैं वो ओपोनेंट के अंदर आप जो देखिए फ्री के अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको खुद से लेकर खेलना है तो ₹20 आपको पे करने पड़ेंगे एक मैच के लिए। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर आपको ज़्यादा ही है तो ₹20 देकर आप एक मैच के लिए प्ले कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको दिखाना था तो मुझे वीकली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ा आईपीएल 2024 के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट कर लीजिए। यहाँ पर और भी अच्छे अच्छे फीचर यहाँ पर जो है वो नीचे में स्कोर कार्ड, ये जो स्कोर कार्ड है वो सिर्फ और सिर्फ आपको आईपीएल के अंदर ही देखने को मिलेगा। ये जो स्कोर कार्ड है सिर्फ आईपीएल के अंदर ही देखने को मिलेगा, इसके अलावा ये जो स्कोर कार्ड है वो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलने वाला है। क्विक प्ले मैच के अंदर अलग स्कोर बोर्ड देखने को मिलता है बाकी के टूर्नामेंट के अंदर, एंड ये जो स्कोर बोर्ड है वो इसी के अंदर देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा अपडेट आप लोगों को जरूर से, ये जो अपडेट अगर आपने कर लिया, अगर आपको अभी तक गेम जो है वो चल नहीं रहा है तो चल जाएगा कुछ टाइम के बाद, अगर नहीं चल रहा है तो। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा अपडेट यहाँ पे काम किया है कंपनी ने, रियल जर्सी रियल फेसेस यहाँ पर, और साथ के साथ यहाँ पे देख सकते हैं प्लेयर की रियल हाइट और उनकी बॉडी को यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज्यादा रियलिस्टिक बनाया है। एक कुल मिला के बहुत ही बड़ा अपडेट आप लोगों को देखने को मिला, एंड अभी ये जो है वो फेस वन का अपडेट, अभी फेस टू और थ्री दो अपडेट अभी और आने बाकी है, जो भी इसी तरीके से मेगा अपडेट होने वाले हैं वो भी, तो वो भी बहुत ही जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो साइड चेंज हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। लाइव स्ट्रीम अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे बाकी के प्लेयर्स के फेसिस, तो नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना, मैं बाकी के प्लेयर्स के फेसेस भी आप लोगों के सामने लेकर आ जाऊंगा। यहाँ पे गेराल्ड कोर्चे जी हैं, इनका भी फेस काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है, और यहाँ पे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं उनके भी यहाँ पर फेसेस वगैरह भी देखने को मिलेंगे क्विक प्ले मैच के अंदर, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका लाइक मोइन अली हो गए, केन विलियमसन हो गए, तो उनके भी फेसेज आपको रियलिस्टिक देखने को मिलेंगे, वो आपको क्विक प्ले मैच के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन ये जो रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह, ऐसे कुछ यहाँ पे जो लाइसेंस इन्होंने आईपीएल का लिया है वो सिर्फ आपको आईपीएल के अंदर देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कहीं पर भी वो प्लेयर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स बता देना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा डिसलाइक मार देना, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।